भाई कसम से कह रहे, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि यार ये इतना कम भागेगी। सीरियसली यार, इनिशियल इसका ठीक है, बाकी इसका जो आप टॉप एंड की बात करेंगे, टॉप एंड मिड एंड वो ख़त्म है भाई। भाई बिलीव यू आर नॉट ब्रदर, टॉप स्पीड इसका सही नहीं है। दिस इज़ द रियल स्ट्रगल ऑफ अ मोटो ब्लॉगर गाइस। अभी बता रहा हूँ क्यों मैं ऐसा बोला, गिव मी वन सेकेंड, आई विल क्लेरिफाई यू। देखो मेन हाईवे छोड़ के नीचे क्यों उतर रहा है, अब मैं बता रहा हूँ आप लोग से। यहाँ पे खड़े करके शायद काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे। एनीवेज अगर बताए तो क्यों आए थे, देखो क्या इस क्या है कि इस वाली वीडियो में हम ये जो बाइक है पल्सर 125 BS6 भाई फेस टू E20 वाला है, देख लो आप लोग एक बार E20। तो इसका क्या है ना भाई, इसका आज मैं टॉप स्पीड चेक करने वाला हूँ कि ये कितना टॉप स्पीड अचीव कर पाती है। और जो साइड का नॉइज आएगा भाई उसे इग्नोर करना क्योंकि मैं जस्ट हाईवे के बगल में ही हूँ। तो इसका क्या है कि आज टॉप स्पीड अचीव करने वाले हैं, देख रहे हैं कितना ये अचीव कर पाती है। और पर गियर देखेंगे कि पर गियर में कितना मतलब जाती है, 5 गियर एक आगे चार पीछे लगता है, तो देखेंगे कि हर गियर में ये कितना जाता है, तो ये भी आज देखेंगे। तो क्या करना भाई, इस टाइप के मेरे चैनल पर वीडियो आता रहता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोग को मिल सके। वैसे बताएं तो देखो मैं अभी इसका एक रिव्यू राइड रिव्यू भी किया हूँ जो मतलब ब्लॉग टाइप में ही है, तो आप लोग वो भी जाके देखना, अब मज़ा आएगा आप लोग को। और आप लोग अगर चाहते हो इस वाले बाइक पे माइलेज टेस्ट वाला वीडियो है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं लेके आऊँगा माइलेज टेस्ट वाला वीडियो भी। तो क्या करते हैं चलते हैं, बस बगल में ही हाईवे है और वहाँ पे चल के फिर इसका मतलब करेंगे, देखते हैं ये कितना अचीव करता है टॉप स्पीड। और बता देगा इस, तो आप लोग प्लीज़ ये ट्राई मत करना, वीडियो देखो और बस इन्जॉय करो, हम ट्राई कर रहे हैं भाई बस आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस इंजॉय करो गाइस। तो गाइस ग्लव्स पहन लेते हैं, ठंडी वाला ही ग्लव्स है ये, बट क्या करते हैं पहन लेते हैं इसे। दिस इज़ द रियल स्ट्रगल भाई, लगता है ना कि यहाँ बस बैठ गया वीडियो शूट कर दिया हो गया ख़त्म, भाई इससे आगे भी बहुत कुछ रहता है यार। गांव से 20 किलोमीटर दूर से चला के लाए बस यही वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि यही एक हाईवे है। और गर्मी हो रहा है भाई, मैं पहना हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, दिन में आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ये देखो मीटर भाई, पहले से काफ़ी ज़्यादा मीटर इसका चेंज है, आप लोग देख भी लो इधर, सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी है भाई, यहाँ पे जो फ्यूल गैस सामने आता था अब ये साइड में दे दिया, ये रहा। तो चलो क्या करते हैं चलते हैं हाईवे, फिर स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं कितना जाती है। फर्स्ट गियर में 37 जा रही है भाई, सेकंड में 60, थर्ड में 81, फोर्थ में 102 लिमिटर आ गया भाई, और आगे ट्रैफिक भी है भाई, वॉबल कर रही है बाइक यार। तो गाइस इतना ज्यादा वॉबल कर रही है 100 पे ही भाई, व्हाट द फक यार, ये क्या था पल्सर 125, व्हाट द फक, व्हाट आर यू डूइंग मैन। टॉप स्पीड देखते हैं कितना निकाल लेती है ये, मैं थोड़ा सा टकिन हो जाऊंगा गाइस, चढ़ा रहा तो बैन बसंती भाग भाग बसंती, आज तो तू चौथी में ही हक दी यार बसंती प्लीज, अरे यार थोड़ा सा ढलान है, इसका एडवांटेज लेके जाएंगे पक्का। नहीं भाई बिलीव मी आर नॉट ब्रदर, टॉप स्पीड इसका सही नहीं है, अपनी जो पैसन स्टेक है ना भाई वो भी इतनी ही जाती है, तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट ब्रदर। चलो आगे थोड़ा सा प्लेन रोड है उस पर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चढ़ान था ना, तो यहाँ पे शायद सही नहीं निकला होगा, कोई दिक्कत नहीं रोड ही रोड है। अभी देखो तो इधर ये फाजिल नगर वाले जो है ना उधर जा रहे हैं उसके तरफ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे दिल में क्या क्या हुआ, रूल्स आर रूल्स नेवर ब्रेक एंड द प्रॉमिस आर मेड फॉर ब्रोकन। भाई लोग हाथ दे रहे थे,
कहाँ पे भाई? जोकवा। नहीं भाई हमको आगे मालूम नहीं है जोकवा कहाँ पे, हम बस आगे तक ही जा रहे हैं, यहीं तक। कहीं तक? बस यहीं तक, आगे तक। ठीक है चलो कोई बात नहीं, रुक गए यार, नहीं तो भाई कहता कि एरोगेंस है इसके अंदर, तो मैं ये सुनना नहीं चाहता। सुदैट्स व्हाई हम रुक गए। और ये देखो ये क्या कर रहे हैं स्कूटी के साथ, इसका तो चार बैठ के इसकी ले रहे हैं स्कूटी की, गलत है भाई। अभी मैं वही बोल रहा था ना, रूल्स आर रूल्स, तो फॉलो तो करो यार एटलीस्ट। ये देखो फाजिल नगर, गोपालगंज, दरभंगा, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, मोकामा। ओह माय गुडनेस, आई थिंक सो आई एम कॉफिंग गाइस। बोल लेते हैं इंग्लिश भी कभी कभी क्योंकि आती है अपने को लिटिल बिट। मुझे इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, इंग्लिश नो मी लिटिल लिटिल। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, मैं पूरा टकिन हो जाऊंगा, एकदम लास्ट पे गियर डाल रहा हूँ ताकि जिससे ये ना हो कि गाड़ी मतलब एक्स्ट्रा पावर ना ले। कितना जाएगा लास्ट? 109। बस इतना ही है, 110 तक ही है, इससे आगे नहीं जाएगा। आई एम 110% श्योर कि भाई इससे आगे नहीं जाएगा ये। अब क्यों नहीं जा रहा भाई, देख लो आप लोग, 125 सीसी की है भाई, ये कितना परफॉर्मेंस दे रही है आप लोग एक बार खुद देख लो। 110 इसका मैक्स है भाई, अपनी 110 है तो वो इससे ज़्यादा जाती है। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। किलोमीटर हिट, थोड़ा सा डिले हो गया गाइस, थोड़ा सा। खैर कोई रेस तो कंपटीशन तो कर नहीं रहे, बस हाँ देख रहे कितना जा रहा है ये, और टकी हो गए गाइस। आगे ट्रैफिक है नहीं तो गाइस देखो 110 मैक्स है भाई, E20 BS6 E20 फेज 2 भाई, पल्सर 125 का 110 मैक्स है। और भाई कसम से कह रहे हैं मुझे ये उम्मीद नहीं था कि यार ये इतना कम भागेगी, सीरियसली यार ये यार 125 सीसी की होकर इतना कम जा रही है। हमें आप लोग से शुरू में बताया था, सारी इस वाली वीडियो में नहीं, मैं किसी और वीडियो में बताया था कि हाँ इनिशियल इसका ठीक है, बाकी इसका जो आप टॉप एंड की बात करेंगे, टॉप एंड मिड एंड वो ख़त्म है भाई। इनिशियल मिड एंड में थोड़ा सा पुल करती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, इतना ही तक है इसका। तो चलो गाइस बस यही था इस वीडियो में भाई, निराश कर दिया भाई तुमने, सीरियसली आई एम सॉरी फॉर दैट, कहना नहीं चाहिए बट आपने निराश कर दिया बेबी। और कॉल आ रहा है मेरे पे, लेकिन निराश तो कर दिया इस बाइक ने। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाय बाय।